पीटीआई रहनुमा हमाद अज़र ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इमरान खान की क़यादत में आज 1 बजे जमान पार्क से रैली निकाली जाएगी। 2023 में तहरीक इंसाफ का नारा है निज़ाम बदलो हालात बदलो है। मौलाना फजल रहमान और राना सनाउल्ला के इलेक्शन के नाम पर टांगे काँप रही हैं। मरियम नवाज की छोटी सोच पर पर्चे दर्ज करेंगे तो फिर मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। रैली के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान का असली शेर जमान पार्क से अपने घर से निकलेगा और आपको नज़र आएगा कि ये छोटे छोटे जो चूहे हैं और बिल्ले हैं ये सारे अपने बिलों में घुस जाएंगे। राना सनाउल्ला साहब और फजल रहमान साहब टीवी पर आते हैं और इलेक्शन का नाम सुन के तकरीबन आप दीदा हो जाते हैं और खौफ के मारे उनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। जमान पार्क से इमरान खान साहब रवाना होंगे और नहर के रास्ते से होते हुए दाता दरबार हम सलाम पेश करने जाएंगे। 2023 के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नारा है वो है निज़ाम बदलो हालात बदलो। राना सनाउल्ला साहब आते हैं टीवी पे और बैठ के खुलेआम तड़ियां देते हैं लोगों को, खुलेआम कहते हैं कि जी ये इमरान खान की तकरीरें हमने इसलिए बंद कराई हैं क्योंकि हमारी उससे ज़ाती दुश्मनी है। तो किधर है आईन और किधर है कानून? अगर मरियम नवाज़ की छोटी सी सोच की बुनियाद के ऊपर लोगों पर पर्चे करने हैं, उनको जेलों में डालना है, तो ये तो एक मुल्क जो है वो खुदा ना खास्ता बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। आईएमएफ प्रोग्राम का 11 माह के बाद कोई दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा।